हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और अभी मैं अपने गांव पर हूँ, बस रेडी हो गया हूँ दुमका जाने के लिए। जैसे ही मैं दुमका पहुँचूँगा अपना फिजिक्स का पहला ब्लॉग शूट करूँगा, और ब्लॉग शूट करने के बाद मैं इसको अपलोड करूँगा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन सैटेलाइट भाई। तो आप तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर, और वो नाम आप जानते ही हैं, एजुकेशन सैटेलाइट। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अब मैं चला दुमका अपने ब्लॉग के शूट के सिलसिले में। तो चलिए दुमका पहुंचते ही फिर आपसे मैं मिलूंगा। तो अब मैं दुमका की ओर जा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों, अब मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। और जैसा कि मैं अपने घर से दुमका की ओर आ रहा था, तो इतना सुंदर नज़ारा देखते ही मेरे मन में तुरंत DSLR का ख्याल आ गया। तो DSLR से अचानक प्रीवियस क्लासेस का थ्योरी क्लास मुझे याद आ गया, जिसमें मैंने बच्चों को पिनहोल कैमरा के बारे में पढ़ाया था। तो क्यों ना आज पिनहोल कैमरा बनाया जाए।
तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको पिनहोल कैमरा बनाने का मेथड बताऊंगा और ये वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, और आप बताइएगा कि यह वीडियो कैसा बना है और इससे आप पिनहोल कैमरा बनाना सीखे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला रखूंगा। तो ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जो कि पिनहोल कैमरा पे बेस्ड है, जिसको हम लोग सस्ता DSLR बोल सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए सस्ता DSLR है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिनहोल कैमरा बनाने का विधि। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि पिनहोल कैमरा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आज मैं बाज़ार से एक बटर पेपर का पीस लेके आया हूँ, जो कि ये है, ये मेरा बटर पेपर हो गया। इसके बाद मैंने एक ब्लैक चार्ट पेपर खरीदा था, ये ऑप्शनल है, आप ब्लैक चार्ट पेपर को चिपकाने के जगह में आप ब्लैक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा बटर पेपर, ये मेरा ब्लैक चार्ट पेपर, और एक मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है, इसी के थ्रू मैं इसको बनाऊँगा। तो कार्डबोर्ड को खोलने के बाद इसमें जैसा कि बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सिल्वर फॉयल, तो इनका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आपको अगले वीडियो में अलग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करूँगा, तब मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिस्कशन के मैं ये बताता हूँ को सबसे पहले आपको ये वाले पोर्शन को ब्लैक कलर से कलर करना पड़ेगा। अगर आप ब्लैक कलर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस ब्लैक चार्ट पेपर के थ्रू इसको चारों तरफ से चिपकाकर ब्लैक कलर में कलर कर देंगे। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस साइड आप क्या करेंगे, एक छोटा सा छेद करेंगे, होल करेंगे, ठीक है, और जस्ट इसके ऑपोजिट वाले फेस पर एक रेक्टेंगुलर शेप में एक हम लोग इसको कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसको पिनहोल कैमरा में बनाएंगे।
Thank you.